एक मोबाइल। एक तरफ हेरोइन माफिया सुन रहा था, क्या दूसरी तरफ ओलंपिक मेडल जीतने वाला बॉक्सिंग हीरो बोल रहा था? याद होगा, पंजाब में 130 करोड़ की हेरोइन मिली थी। जहां से हेरोइन मिली वहीं पर विजेंदर सिंह की पत्नी की कार खड़ी थी। अब उसी हेरोइन केस में नया और बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार में खबर छपी है कि विजेंदर ने ड्रग माफिया से बात की, एक बार नहीं कम से कम 10 बार बात की, एक नहीं कम से कम 20 SMS भेजे। विजेंदर ने कहलों से बात क्यों की? क्या फोन पर ड्रग्स की डील हो रही थी? टीवी पर हेरोइन किंग और बॉक्सिंग हीरो की बातचीत का पूरा ब्यौरा आप देखने जा रहे हैं। फंस गए रे विजेंदर। रिंग के हीरो एक बार फिर हेरोइन के चक्कर में फंस सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से खबर है कि विजेंदर ड्रग डीलर अनूप सिंह कहलो से पिछले साल से ही लगातार संपर्क में थे। अखबार के मुताबिक पुलिस ने विजेंदर और कहलो की कॉल डिटेल्स हासिल की हैं, जिससे पता लगता है कि विजेंदर और कहलो के बीच कई बार लंबी बातचीत हुई। कहलो के गिरफ्तार होने से 5 दिन पहले तक विजेंदर कहलो से बात करते थे। बारह तारीख को विजेंदर और कहलो के बीच कई SMS हुए। इस दिन पहली बार विजेंदर और कहलो के बीच सुबह 11 बजे फोन पर बात हुई। 2 घंटे भी नहीं बीते कि फोन की घंटी फिर बजी। दोपहर 12:42 पर दोनों के बीच फिर बातचीत हुई। करीब 1 घंटे बाद 1:38 पर पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की और दिन की आखिरी बात हुई शाम को 6 बजे। ये सारी कॉल चंडीगढ़ से की गई थी। विजेंदर ने ड्रग डीलर कहलो से एक दिन में 4-4 बार बात क्यों की? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कहलो और विजेंदर के बीच दोपहर 1:24 से लेकर 3:50 के बीच ढेर सारी कॉल्स हुई। इस दौरान 2:42 पर राम सिंह ने कहलो को फोन किया। फोन की लोकेशन से लग रहा है कि विजेंदर और राम सिंह जीरकपुर वाले उसी घर की तरफ बढ़ रहे थे जहां से 130 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। फोन पर बातचीत का रिकॉर्ड और लोकेशन ड्रग डीलर के घर के पास। क्या विजेंदर के पास इस बात का कोई जवाब है? चौबीस तारीख को कहलो और विजेंदर के बीच एक ही बार बात हुई शाम 5 बजे। 2 दिन बाद विजेंदर ने फिर कहलो से क्या बात की? 25, 26 और 27 तारीख को कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन 28 तारीख की सुबह 11:40 पर विजेंदर और कहलो के बीच फिर से फोन पर बात हुई। 15 दिनों में 15 से ज्यादा बार कहलो और विजेंद्र के बीच बातचीत हुई, लेकिन बातों का यह सिलसिला अचानक थम गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त कहलो कनाडा चला गया था। ये बातचीत फिर शुरू हुई जब कहलो कनाडा से वापस भारत आया, यानी फरवरी 2013 में। भारत लौटने के बाद पहली बार कहलो और विजेंदर के बीच बात हुई 22 फरवरी को रात 8:20 पर। बताया जा रहा है कि ये बातचीत काफी लंबी चली। क्या इस बार विजेंदर और कहलो के बीच किसी ड्रग डील को लेकर बात हुई? कहलो के भारत लौटते ही विजेंदर और कहलो के बीच इतनी लंबी बात क्यों हुई? कहलो के गिरफ्तार होने से 5 दिन पहले विजेंदर ने कहलो को 10 से ज्यादा मैसेज किए। आखिर ये मैसेज क्यों किए गए थे? 3 मार्च को पुलिस ने कहलो को गिरफ्तार कर लिया। आपने विजेंदर की कॉल डिटेल्स का ये पूरा ब्यौरा देखा। अब देखिए इस केस में फंसे एक और बॉक्सर राम सिंह की कहलो से बातचीत का रिकॉर्ड। इंडियन एक्सप्रेस ने राम सिंह और कहलो की कॉल डिटेल्स भी दी है। राम सिंह भी 2012 से कहलो से फोन पर बात कर रहे थे। राम सिंह ने कहलो को अगस्त 2012 में 30 बार फोन किया, कई बार दिन में तो कई बार रात में। सितंबर में राम सिंह और कहलो के बीच 25 बार बात हुई। बातचीत लगातार जारी रही और अक्टूबर में 23 बार दोनों के बीच बात हुई। फरवरी 2013 में जब कहलो कनाडा से वापस भारत आया तब राम सिंह और कहलो के बीच 13 बार बात हुई।
26 फरवरी 2013 रात 10:44 पर राम सिंह और कहलो ने बात करनी शुरू की। देर रात दो बार दोनों के बीच फिर बात हुई। सत्ताईस फरवरी 2013 अगले ही दिन कहलो ने राम सिंह को सुबह सुबह 10:21 पर फोन किया। 6 घंटे बाद कहलो ने राम सिंह को फिर फोन किया। शाम 4:36 पर राम सिंह ने भी कहलो को एक बार फोन किया था दोपहर 1:31 पर। सूत्रों का कहना है कि कहलो विजेंदर और राम सिंह के बीच जितनी बार भी बातचीत हुई उतनी ही बार मीटिंग हुई या मीटिंग फिक्स हुई। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों की फोन लोकेशन एक ही जगह की है और वो है जीरकपुर का वही घर जहां से 130 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई थी। 130 करोड़ रुपए की हेरोइन के मामले में विजेंदर सिंह खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वो ये दलील दे रहे हैं कि इन कॉल डिटेल्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। ड्रग डीलर कहलो से उनकी इतनी लंबी बात क्यों हुई इसका भी उनके पास जवाब है, लेकिन उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। जब से 130 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है तब से बॉक्सिंग रिंग के हीरो विजेंद्र सिंह मीडिया से सीधे सीधे बात करने से बच रहे हैं। हालांकि उनके बयान जरूर सामने आते रहे। पहली बार उनका बयान उसी दिन आया जिस दिन हीरोइन की ये खेप पकड़ी गई। मैं आरोपों से पूरी तरह इनकार करता हूँ। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में जिन लोगों का नाम आ रहा है उन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता। हो सकता है मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई हो, लेकिन मैं सीधे तौर पर इन्हें नहीं जानता। मैं इस मामले में पुलिस की सहायता करना चाहता हूं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी की कार का वहां से बरामद होना महज एक इत्तफाक है। हो सकता है जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा है वो मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा हो। मेरा ध्यान हमेशा मेरे खेल की ओर रहा है। अब एक बार फिर विजेंदर की सफाई आई है। अपनी और कहलों की बातचीत के बारे में विजेंदर का कहना है कि वो इन कॉल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे इन कॉल्स के बारे में कुछ नहीं पता। किसी पुलिस वाले ने मुझे इन कॉल्स की पूछताछ के लिए संपर्क नहीं किया है। कैंप के दौरान मेरे रूम पार्टनर अक्सर मेरा फोन इस्तेमाल करते थे और इन कॉल्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। विजेंदर के अनूप सिंह कहलों से दोस्ती का सबूत इस फोटो में भी नजर आता है। ये दिल्ली के एक फिटनेस क्लब के उद्घाटन की तस्वीर है। विजेंदर की बाईं तरफ है राम सिंह और दाईं तरफ ये है कहलों। पंजाब पुलिस सोमवार को कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर सकती है। विजेंदर पर अपने बालों और खून के सैंपल देने का दबाव बना सकती है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या विजेंदर ने कभी ड्रग्स ली, लेकिन विजेंदर पुलिस को ये सैंपल्स नहीं देना चाहते। मुझे फतेहगढ़ पुलिस ने पहली पूछताछ के बाद अभी तक संपर्क नहीं किया है। मैंने सिर्फ मीडिया में आई खबरें पढ़ी हैं कि वो मेरे खून और बालों के सैंपल लेना चाहते हैं, लेकिन मैं पंजाब पुलिस को ये सैंपल नहीं देना चाहता। मैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी एजेंसी को देना चाहता हूं। इस केस के दूसरे आरोपी बॉक्सर राम सिंह मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन ऐसा कोई फूड सप्लीमेंट जरूर लिया है जिसे खाने से उन्हें उल्टी हो गई थी। ये अलग बात है कि उल्टी होने के बावजूद राम सिंह ने 3 बार और वो कथित फूड सप्लीमेंट लिया। हमने वो अक्सर बाहर जाता रहता था, मैं फूड सप्लीमेंट अच्छा तो वो बोला मेरे पास फूड सप्लीमेंट दूंगा मैं तुम्हें, बहुत अच्छा है पेट्स के लिए अच्छा होता है। तो सर फूड सप्लीमेंट के लिए उन्होंने वो दिया था, बाद में हमें पता चला कि वो गलत चीज है, ड्रग से कुछ है, तो इसलिए हम घबरा गए। तो आपने वो ड्रग का सेवन करा? वो हमें फूड सप्लीमेंट समझ के गया तो ड्रग समझ के नहीं किया। कितनी दफा आपने उसका सेवन करा? 3-4 बार किया। राम सिंह का कोई भी तर्क गले उतरने वाला नहीं था। राम सिंह ने मीडिया के सामने ये भी माना था कि ये कथित फूड सप्लीमेंट विजेंदर भी कई बार ले चुके हैं। विजेंदर ने भी उसका सेवन करा? वो फूड सप्लीमेंट समझ के किया, ड्रग समझ के नहीं किया। कितनी दफा? 2-3 बार। जनवरी मैंने दिसंबर में और उसने जनवरी फरवरी में, बस इतना किया। कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। ओलंपिक मेडल जीतने वाला बॉक्सर और ड्रग डीलर के बीच क्यों बार बार बातचीत हो रही थी? क्या बार बार हर बार कोई और शख्स विजेंदर का फोन उठाकर ड्रग डीलर को फोन कर देता था और विजेंदर को पता भी नहीं चलता था? खुद सोचिए, सब समझ में आ जाएगा। आपको बताते हैं कि आखिर हेरोइन और ड्रग्स के मामले में बॉक्सिंग हीरो विजेंदर कैसे फंसे। पंजाब पुलिस को कहलो से ही यह जानकारी मिली थी कि जीरकपुर के एक घर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपाकर रखी गई है। पुलिस ने रेड मारी और वहां से 130 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। जिस घर से हेरोइन मिली उस घर के बाहर खड़ी थी विजेंदर की कार, वहीं से विजेंदर फंस गए।
7 मार्च 2013 जगह जिरकपुर मोहाली। जिरकपुर की शिवालिक विहार कॉलोनी में 984/X नंबर के घर से पुलिस को मिली थी 130 करोड़ रुपए की हेरोइन। पंजाब की फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने इस घर पर छापा मारा। पुलिस को यहां से 26 किलो हेरोइन बरामद की। इंटरनेशनल मार्केट में इस हेरोइन की कीमत है 130 करोड़ रुपए। कहां छिपाई गई थी यह हेरोइन? देखिए, घर की दीवारों में, फॉल्स सीलिंग में ये सारी हेरोइन छिपा कर रखी गई थी। 150 पुलिस वालों की टीम ने 4 घंटे तक घर की तलाशी ली और ये ड्रग्स बरामद की। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तहकीकात में पूरा घर का जो सीलिंग है वो तोड़ के चेक किया गया। अगर आप सामने देखें तो सीलिंग है, सीलिंग के अंदर भी हेरोइन छुपाई गई थी, वहां से भी निकाली गई है। अगर अभी आपको दिखाते हैं कि जो बेडरूम था, कहा जा रहा है कि इस घर के अंदर 2 लड़कियां और उनके साथ 2 लड़के रहते थे और इसके अंदर जो हेरोइन थी वो छुपाई गई थी हर जगह पे। ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं, जो सीलिंग जो है उसमें POP तोड़ के दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो हेरोइन थी अंदर छुपाई गई थी। पुलिस को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। करीब 150 पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने 4 घंटे लगातार इस घर में रेड की और उसके बाद पता चला कि यहाँ पे 130 करोड़ से ज्यादा जो हीरोइन है वो यहाँ पे मिली है। हीरोइन से भरा ये पहला डब्बा, इसमें करीब 10 किलो हीरोइन है। बाजार में 1 किलो हीरोइन 5 करोड़ रुपए में बिकती है। इस डब्बे की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए होगी। ये दूसरा डब्बा, इसमें करीब 15 किलो हीरोइन है। इसकी कीमत हुई करीब 75 करोड़ रुपए। 4 छोटे-छोटे डब्बे हैं, इनमें करीब 1 किलो हीरोइन है, कीमत 5 करोड़। दरअसल पुलिस को कहलों से पूछताछ में ही पता चला था कि इस घर में हीरोइन छिपाकर रखी गई है। छापे से पहले ही घर का मालिक जगदीश भोला तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस को जगदीश के घर के पास एक गाड़ी मिली जो विजेंद्र सिंह की पत्नी अर्चना सिंह की थी। जगदीप संधू, इंडिया TV, जिरकपुर।